मायावती को रोके जाने पर अखिलेश का बड़ा बयान। मायावती पर चुनाव आयोग ने एक बयान को लेकर 48 घंटे पे बैन लगा दिया है, जिसके चलते ना तो मायावती कोई भी चुनावी सभा कर पाएंगी, ना कोई टीवी इंटरव्यू दे पाएंगी और ना ही अपने ट्विटर अकाउंट को भी चला पाएंगी। उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने और रोड शो को करने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के इस कदम के बाद जहां उनकी सराहना की जा रही थी, वहीं कार्रवाई को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि ये वाला कड़ा कदम जो चुनाव आयोग ने उठाया है, सिर्फ वो बहन कुमारी मायावती बसपा सुप्रीमो के ऊपर ही क्यों उठाया है। जबकि हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हैं, उनके ऊपर भी 72 घंटे का बैन लगाया गया है और मेनका गांधी के ऊपर भी 48 घंटे के आसपास का बैन लगाया हुआ है। लेकिन बहुजन समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा बैन लगाया जाता है, ऐसा क्यों? अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट में कहा है, मैं फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहूँगा कि अपना पहला वोट पुलवामा में वीर शहीद हुए थे उनके नाम पर समर्पित हो सकता है क्या? क्या चुनाव आयोग मोदी गवर्नमेंट को रोक सकता है पुलवामा में शहीद पे वोटरों पे वोट मांगने के लिए? उन पर आचार संहिता क्यों नहीं लगती है? उन्होंने कहा कि हालांकि चुनाव आयोग भले ही पीएम मोदी पर बैन लगाने में नाकाम रहा हो, लेकिन उनकी कार्रवाई का डंडा बीजेपी नेता सूबे के मुख्यमंत्री योगी नाथ पर भी चला है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज का बढ़ता हुआ जनाधार सारे देश में तकलीफ का काम कर रहा है। बीजेपी कांग्रेस नहीं चाहते कि मजबूत गठबंधन सरकार देश में आए, इसके चलते वो कुछ भी कार्य करने को तैयार हैं। मायावती ने हार नहीं मानी और अपनी चुनावी सभा के अंदर भेज दिया अपने भतीजे आनंद को, जहां पे करोड़ों समर्थकों ने आनंद को खूब सराहा और ढेर सारी तालियों से अभिनंदन किया, स्वागत किया और उन्होंने भी जम के बारिश करी। उन्होंने कहा कि अभी बसपा का कारवा रुकना नहीं चाहिए और सिर्फ वोट पड़ना चाहिए बहुजन समाज का बसपा और सपा के गठबंधन के ऊपर। हम आपको वो स्टेटमेंट बता देते हैं जो बहन कुमारी मायावती ने कहा था। पहले हम आपको आदित्य योगी नाथ का बताते हैं। आदित्य योगी नाथ ने मायावती के बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर आप विपक्ष में अली पर भरोसा है तो हमें बजरंग बली पर भरोसा है। वहीं मायावती ने भी पिछले दिनों देवबंद में सपा बसपा रालोद के गठबंधन के एक रैली में मायावती ने कहा था कि मुस्लिम मतदाताओं को भावनाओं में बहकर अपने मतों को बटने नहीं देना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।